हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस टू ग्रेस। एक रोम्बस शेप का फील्ड है जिसके अंदर ग्रीन ग्रास है और वो ग्रास 18 काउस को चरने के लिए है। इफ़ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगनल इज 48 मीटर। अगर रोम्बस की हर एक साइड 30 मीटर की है और उसका जो बड़ा वाला डायगनल है वो 48 मीटर है, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो हर गाय के हिस्से में कितनी घास यानी कितना एरिया आएगा जो उसे चरना है। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है, उसकी साइड भी दे रखी हैं और उसका बड़ा वाला डायगनल दे रखा है। ये जो फील्ड है इसमें घास है, ये 18 काउस को चरने के लिए घास है। तो एक गाय के हिस्से में कितना एरिया आएगा ये आपको निकालना है। तो देखिए, रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस का जो डायगनल होता है ना, वो रोम्बस को दो इक्वल ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड कर देता है। यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं 30 30 साइड होगी, 48 बड़ा वाला डायगनल हो गया। तो इस ट्राइंगल में एबीसी में मुझे तीनों साइड्स पता चल गई, तो एबीसी का मैं एरिया निकाल लूँगा, उसका मैं डबल कर दूंगा, पूरे जो फील्ड है इसका एरिया आ जाएगा, उसे 18 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो एक गाय के हिस्से में कितना एरिया आएगा घास का चरने के लिए वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि ये जो फिगर है ना, इसको मैंने लेट किया है, लेट ए बी सी डी इज द ग्रास फील्ड। अब यहां पे आप ट्राइंगल देख रहे हैं एबीसी, तो इन ट्राइंगल एबीसी ए में ले लेता हूं 30 को, बी में ले लेता हूं 30 को और सी में ले लेता हूं 48 को। ये मीटर में है सारा, और हीरोंस फॉर्मूला लगाकर मैं एबीसी का एरिया निकाल देता हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एबीसी यहां पर साइड्स होती हैं, एस होता है सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, और सेमी यानी कि उसका हाफ, तो टू से डिवाइड कर देंगे। तीनों साइड्स हैं इसकी 30 प्लस 30 प्लस 48, इनका हाफ कर देंगे, इनका जो सम आता है ये आएगा 108, इसको हाफ करेंगे तो ये 54 आ जाएगा। चारों चीजें मुझे मिल गई है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो S की जगह लेना है मेरे को 54, और यहाँ S माइनस ए यानी 54 माइनस 30, S माइनस बी यानी 54 माइनस 30, S माइनस सी यानी 54 माइनस तीसरी साइड जो कि 48 है। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 54 एज इट इज, 54 में से 30 माइनस किया तो 24 आ गया, यहाँ भी 24 ही आएगा, और यहां पर 54 में से 48 माइनस किया तो ये 6 आ गया। अभी मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, जो अंदर चार नंबर आपको दिख रहे हैं इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 54 को ले लेते हैं पहले, ये 2 से जा रहा है, 27 आ गया, ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो ये 9 आ जाएगा, ये 3 से जाके 3 आएगा, ये 3 से जाकर 1 आएगा। तो 54 के पीएफ हो गए हैं 2 × 3 × 3 × 3। अब 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, ये 2 से जा रहा है 12 आ गया, 2 से जा रहा है 6 आ गया, 2 से जा रहा है 3 आ गया, 3 से जाकर ये 1 आ गया, तो ये हो गए हैं 2 × 2 × 2 × 3। आगे भी 24 है, उसके भी यही होंगे, तो 2 × 2 × 2 × 3। आगे 6 है, 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 × 3 = 6। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद इनमें से जो दो होते हैं उनमें से एक बाहर आता है तभी आपका स्क्वायर रूट होता है। तो मैं देख रहा हूं यहां पे ये 2 है, ये 2 है, तो इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट भी गिन सकते हैं, मैं डायरेक्ट गिन के दिखाता हूं आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 8 बार 2 है, तो 8 बार 2 है तो 2 का एक बाहर निकलता है, तो 4 तो बाहर आ जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से मैं 3 को काउंट करता हूँ,
तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 बार 3 है। तो जब 6 बार 3 है और 2 का पेयर बनता है तो उनमें से 3 3 बाहर आ जाएंगे। अब कुछ नहीं है, 2 और 3 से लगे इनमें कुछ भी नहीं है, सभी के पेयर आ गए, कोई अंदर बचा भी नहीं है। तो जो ये आया इसी का प्रोडक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट करते हैं इसका। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 3 ज़ार होता है 48, और 48 को मल्टीप्लाई कर दें हम आगे 3 3 ज़ार 9 से, तो 48 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, 8 9 ज़ार 72, ये 7 आ गया। 36, 36 में 7 जोड़ें तो 43 आएगा, 432। अब ये जो एरिया है ये आपके एबीसी पार्ट का एरिया है, और ये मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर। और मैंने बताया कि जो डायगोनल होता है रोम्बस का, वो रोम्बस को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो जब एबीसी का एरिया 432 है तो पूरे रोम्बस का एरिया इसका डबल होगा। अब हम इसका लिख देंगे, तो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ये जो 432 आया है, 432 मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 864 मीटर स्क्वायर। तो एरिया पूरे जो ग्रास फील्ड है इसका एरिया हमें पता चल गया। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस एरिया पर 18 काउस को चरने के लिए घास है, तो एक एक काउ के हिस्से में कितनी घास आएगी। तो सिंपली इस एरिया को 18 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां हमारा आंसर होगा एरिया ऑफ ग्रास ईच काउ विल गेट। तो जो टोटल एरिया आया है 864 मीटर स्क्वायर, उसको 18 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 18 काउज हैं। चलिए इस 18 से डिवाइड करें तो 864 18, ये चला गया 18 4 ज़ार 72 हो गया, माइनस करने पर यहाँ 14 आ गया, ऊपर से 4 आ गया, और 18 8 ज़ार होता है 144, पूरा चला गया ये, तो 48 आएगा मीटर स्क्वायर। तो एक गाय के हिस्से में 48 मीटर स्क्वायर जगह आ जाएगी चरने के लिए। तो क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।